मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर में। फाइनली बजाज ऑटो लिमिटेड ने वेस्ट बंगाल के असनसोल से शुरुआत कर दी है पल्सर मैनिया 2.0 इवेंट, जो कि स्टंट के लिए जाना जाता है। तो मैं आप आकर जो है वो पल्सर सीरीज की सारी बाइक को जो है वो यहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये आने वाले भारत के 100 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है और यहाँ पर आप पल्सर सीरीज की सारी बाइक को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तभी मैं आ चुका हूँ पल्सर मैनिया 2.0 के इवेंट के अंदर में और सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाइक चलाने के लिए, जिसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और जो रजिस्ट्रेशन है वो आप QR कोड के द्वारा स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो भाई पल्सर मैनिया 2.0 में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको कोई भी राइडिंग गियर लाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, राइडिंग जैकेट नहीं है, पैंट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप अपने घर से शूज पहनकर आ सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और आपको भाई अगर आप बाइक को चलाएंगे और आपका जो लैप के अंदर में जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा कम काउंट होगा तो आपको इस वाले काउंटर से मिलेगा बहुत ही बेहतरीन इनाम। तो अभी आप देख सकते हैं सामने में पल्सर N160 डुअल चैनल ABS जो है वो राइड के लिए स्टार्ट हो चुकी है और पहला जो लैप यहाँ पर एक छोटा सा बनाया हुआ है और इसी वाइट वाले सर्कल के अंदर में बाइक को चलानी है और जिसका जो टाइम है वो सबसे कम काउंट होगा उसी को यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो तीन यहाँ पर जो है वो कंपनी ने लैब बनाए गए हैं पल्सर मैनिया 2.0 में और ये देख सकते हैं पल्सर NS125 है और जो कि थर्ड वाले लैप में आपको बाइक चलानी है। कुछ इस तरह का छोटा वाला लैप रहने वाला है जिसमें आपको बहुत सारे कट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आप लैप देख रहे हैं ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन भाई अगर आप राइडर हैं तो आपको पता होगा कि बाइक आपको किस तरह से चलानी है, किस तरह से आपको लैप के अंदर में जीतना है। और हमारे बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंभू सर, शंभू झा जी जो सेक्रेटरी सेंटर ऑफ कॉमर्स आसनसोल की तरफ से, तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं और ये खुशी देख के मुझे भी काफी मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है शंभू सर। क्योंकि बाहर तो बहुत कुछ होता है, हम अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कुछ नए नए हो। जैसे हम लोग आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लेकर आए, हर साल होता है, लोग आनंद उठाते हैं। तो आज हमारे ऑटोमोबाइल्स और ये बजाज कंपनी मिलके जो इतना शानदार आयोजन यहाँ पर किए, ये हमारा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से उनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आसनसोल में इस तरह का उन्होंने आयोजन किया। धन्यवाद। रेडी हो जाए और सेकंड्स आपके सामने, ट्रैक आपके सामने, तो इंतजार किस बात की। कैन यू हैव सम म्यूजिक प्लीज। सेफ्टी गियर्स कलेक्ट कर ले पहले, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हम। एंड द ओनली N160 फ्रॉम द हाउस ऑफ पल्सर इज वेटिंग हियर फॉर यू। राइडर्स वांटेड वन व्हाट आई विल से दैट इट्स स्मूथ एंड द मशीन इज अग्रेसिव टू एंड आई कैन से दैट इट्स नंबर आई कैन ड्राइव इट इजीली। So the controlling and everything was very smooth, you know. And have you ride matlab koi aur variant before from the house of Pulsar? Yeah, almost all the variants from the Pulsar you already ride. And if I tell you one difference you can tell between this one and others, what will be that? I will say that the clutch and gears, it's very smooth. I hope for the best, you have done it in a very good time because timing is also recorded. All the best. We have other arena service. Do visit there. Be a part of it. So this is Pulsar Mania 2.0. We're going to come and you can experience this amazing beast standing tall between you. The all east mein iski shuruaat Asansol se ho rahi hai. So that's a proud moment as well. Ek saath more than 100 cities mein Pulsar Mania 2.0 jaari hai. Jahan par hum maniacs ko khoj rahe hain. जो हमारे बीच आके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चीजें बहुत सारी देख रहे होंगे, शोज में बहुत सारे आप गए होंगे, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जहां पर आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जहां पर आप आके ये जो हमारे टू अमेजिंग से वेरिएंट्स है उसको चला के उसको एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, इसके साथ साथ अगर आपकी टाइमिंग्स बेस्ट रही
तो आपको कुछ गुडीज भी मिल रही है हमारे तरफ से, दैट्स द बेस्ट थिंग। So this is Pulse Mania 2.0 once again. Let me repeat, we are up here in Asansol, live and loud. Can we have the next two participants, please? M160, India's first 160cc bike with tuning channel ABS. You've reached the destination. तो सामने में आप देख सकते हैं पल्सर सीरीज की सारी बाइक यहां पर लगी हुई हैं और पल्सर मैनिया 2.0 में ये सारी पल्सर सीरीज की बाइक जो है वो यहां पर आप चला सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहली ये है भाई NS125 जो कि E20 OED2 वाला मॉडल आप देख रहे हैं ग्रे कलर में, और इसी के जस्ट बगल में खड़ी हुई है NS160 ब्लैक एंड रेड कलर में डुअल चैनल EBS वाली, और ये है भाई N160 डुअल चैनल EBS का ब्लू कलर, और ये है NS200 रेड कलर के साथ, और ये है भाई NS200 जो कि ग्रे कलर में है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, और ये है पल्सर 220F, इसको भी आप चला सकते हैं। RS200 को भी यहां पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है पल्सर 150 सिंगल सीट वाला जो कि E20 OD2 वाले सारे जो पल्सर सीरीज के मॉडल आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट वाले ही आप देख रहे हैं, और यहाँ पर P150 को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कंपनी का कहना ये है कि आप यहाँ पर आकर पल्सर सीरीज की किसी भी बाइक को चला सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको स्टंट भी सिखाए जाएंगे, तो यहाँ पर आप जो है वो व्हीली वगैरह भी मार सकते हैं जिसके लिए आपको सेपरेट एक अलग से सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो पल्सर मैनिया 2.0 है ये वेस्ट बंगाल के असनसोल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये आपको भारत के आने वाले 100 शहरों में आयोजित किया जाएगा जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा आपको कोई भी राइडिंग गियर लाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, उसके बिना आप बाइक को राइड नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।